सुनिए साइलेंट 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 हेलो सुनिए, हर मंदिर में जाने के बाद पहले क्या दर्शन करेंगे? पहले दर्शन करेंगे शेर और हाथी, जो हाथी के नीचे होता आदमी, जो आदमी नीचे लेटा हुआ आदमी होता है, शकुंतल लड़का होते भरत की भरत से भारतवर्ष हुआ, हाथी होता है बौद्ध धर्म का, शेर होता है हिंदू धर्म का, माने हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म कैसे चपाते है, शेर होता है शक्ति के प्रतीक, हाथी होते लक्ष्मी के प्रतीक, धन के प्रतीक। एक आदमी के पास शक्ति और धन एक साथ हो जाए तो आदमी का घमंड आ जाता है। सूर्य भगवान बोलते जब मंदिर में एंट्री करेंगे पहले अपना घमंड बाहर छोड़ के मंदिर में एंट्री करिए तो भगवान का दर्शन कर सकते हैं। एक ही पत्थर में तीन मूर्ति बना हुआ, सिंगल पीस में कारीगर किया, पत्थर का नाम है बालू पत्थर, सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन ज्यादा अपना उदयगिरी एंड खंडेगिरी से लाए हैं। उदयगिरी एंड खंडेगिरी यहाँ था 68 किलोमीटर, पहले कोई ट्रांसपोर्टिंग नहीं था, नदी के ऊपर में लकड़ी के ऊपर फंसा के बाई बोटिंग से लाया। और वो देखिए कुछ लोहे का बीम, देखिए वो जो बीम उधर गिरा हुआ, एक एक बीम का इसका वेट होता 2 टन, 2 टन में 2000 किलो। मंदिर से गिरने के बाद यहाँ रखा हुआ, 50 साल हो गया इसी जगह में रखा हुआ। आइए चलो ना प्लेन। यहाँ में नृत्य मंडप, नृत्य मंडप, नृत्य मंडप, नृत्य मंडप, नृत्यशाला। ये मंदिर में पहले नृत्य इसी जगह में होता था और पब्लिक लोग बैठ के डांस देखता था सभा मंडप में। यहाँ भोग मंडप नहीं है, भोग मंडप है पुरी में, भुवनेश्वर में। ये मंडप के ऊपर में तीन द्वार है, जब सूर्य निकलेंगे तो एक साल का 12 महीना होता है, दक्षिणायन होंगे तो पहला गेट में लाइट पास करते हैं, मध्यान्ह को तो बीच में, उत्तरायण होंगे कभी ना 14 जनवरी मकर संक्रांति लास्ट वे में। तो ऊपर जा सकते, ऊपर देखने के बाद जो जाएंगे ऊपर देख के उधर तीनों गेट देखने के बाद उधर से उतर के अपना एग्जिट करिए, वो रास्ता होता है मैंने बाहर में जाएंगे होटल में। तो रात घोड़ा देखिए, नदी के साइड में 3, समुद्र के साइड में 4। 7 घोड़े का मतलब होते सूर्य भगवान का 7 रोज होता है, और 24 पया का मतलब होते 24 जो पखवाड़े होता है पटना पूर्णिमा अमावस्या। इसीलिए मंदिर के बीच में अरुणा पिलर था, जो अरुणा पिलर चला गया पूरी, पिलर का नाम है अरुण, ऊपर गरुड़ है, इसलिए ये पिलर यहाँ से शिवाजी महाराज लेके पुरी में रखे हैं मंदिर के सामने। मंदिर का 3 दिशा होता है, सियन द्वार, अशोक द्वार, गजत द्वार। पहले जो मंदिर में एंट्री किया सियन द्वार, सेकंड में होता है अशोक द्वार, थर्ड में होता है गजत द्वार। चलिए ये ऊपर चढ़े मना है? नहीं नहीं यारो नहीं, यारो नहीं, यारो नहीं। चलो क्या बोल, हेलो सेल्फी हमारा वहाँ पे अम्मा जो वहाँ आइए इधर। शाम का सूर्य, अस्त सूर्य, एक ही घोड़ा। सारा दिन जब घूम के थक जाते हैं तो एक ही घोड़े के ऊपर में अपना वापस घर चलते हैं। भगवान थक गया, घोड़ा भी थक गया। पहले होता सुबह का, दोपहर का और शाम का। घोड़ा इधर देखिए, घोड़े के ऊपर में बैठा है शाम का सूर्य भगवान। हाँ, एक साइड में 12 चक्र होता, 12 होता अमावस्या का, 12 होता पूर्णिमा। किंतु पूर्णिमा के साइड में हमें टाइम आपको दिखा देंगे, जैसे जंतर मंत्र है दिल्ली जयपुर, चक्कर का एक्सेल में अंगुल डालने के बाद अपना परछाई जहाँ गिरेंगे करेक्ट टाइम वहाँ मिलेंगे। चलिए बॉटल ले जाइए।
आइए इधर अमन परिवार अमन। ये मेन मंदिर का पार्ट ये था जो गिर चुका। मंदिर का शेप देखिए कमल है, नीचे कमल है ऊपर भी कमल है। तो ये मेन मंदिर के ऊपर में एक बहुत बड़ा चुंबक लगाया था, चुंबक मीन्स मैग्नेट, मैग्नेट इनके ऊपर लगाया था मंदिर का बैलेंस के लिए। वो मैग्नेट निकाल लिया पुर्तगाल, कहना है कि 12 साल का बच्चा ने चुंबक लगाया, 1200 कारीगर नहीं कर पाया। राजा का ऑर्डर था कारीगर को, 1200 कारीगर नहीं कर पाया, 12 साल का बच्चा चुंबक लगा के यहाँ से कूद के मरे थे। कोणार्क मंदिर अशुभ हो गया जो लड़का मरने के बाद बलि हो गया, तो इसीलिए कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान का पूजा कभी नहीं हुआ है, कहना लड़का मरने के बाद। इसीलिए उधर समुद्र था उधर नदी था, वो लड़का ने समुद्र के साइड में कूद के मरा था। नदी का नाम है चंद्रभागा, समुद्र का नाम है बे ऑफ बंगाल, बंगाल का खाड़ी। तो ये जो मंदिर बनाया नदी और समुद्र के बीच में संगम, और पूरा नीचे कमल है ऊपर भी कमल, देखिए कमल का पत्ता के ऊपर में पूरा मंदिर बनाया, देखिए कमल का शेप है। और 12 चक्र ये होता है अमावस्या के है 12 पूर्णिमा, किंतु पूर्णिमा के साइड में हम टाइम आपको दिखा देंगे। जैसे कि जंतर मंत्र है दिल्ली जयपुर, ये मंदिर का 3 भाग में बनाया, बच्चे के लिए, जवान के लिए, बूढ़े के लिए। बच्चे के लिए नीचे में हाथी घोड़ा जीव जंतु, जवान के लिए बीच में सेक्स की मूर्ति है, बूढ़ा बूढ़ी के लिए सबसे ऊपर भगवान। ये सेक्स मूर्ति देने के क्या मतलब है, पहले एक वार होता है बिटवीन कलिंग एंड अशोक, कलिंग वार में बहुत आदमी लोग मरा गया, ज्यादा से ज्यादा आदमी बुद्धिस्ट हो जाता सन्यासी, राजा लोग वाला सब लोग बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेंगे किधर। राजा बोले कि ये मंदिर में ऐसे कलाकारी बनाई है, आदमी का शिक्षा होना चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ होना चाहिए और पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए। तो ये मंदिर का जैसे खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश खजुराहो का मॉडल देके बनाया, किंतु खजुराहो से कारीगरी अच्छा है, कोणार्क सूर्य मंदिर आर्किटेक्चर सुंदर है। तो इसीलिए नृत्य मंडप, सभा मंडप, मेन मंदिर, मेन मंदिर का पीछे छाया मंदिर, छाया मंदिर खत्म हो गया। चलिए अर्जुन दे आए 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 ये देखिए मध्यान सूर्य का मूर्ति, देखिए मध्यान सूर्य, ये 2 बजे सूर्य की रोशनी भगवान के ऊपर में गिरेंगे, 2 बजे सुबह उधर गिरेंगे, 2 बजे उधर गिरेंगे, शाम को उधर गिरेंगे। देखिए गम्बुट है, कमर में बेल्ट है, धोती पहना है, कैप भी पहना है। ये मध्यान सूर्य 2 बजे सूर्य की रोशनी भगवान के ऊपर में गिरेंगे। और ये मंदिर का शेप देखिए कमल है, नीचे कमल है ऊपर भी कमल, देखिए कमल का पत्ते के ऊपर में बनाया। अच्छा इधर समुद्र था इधर नदी था, नदी समुद्र का बीच में मंदिर बनाया। समुद्र में जो पानी का जहाज जाते, जहाज में जो कंपास था, कंपास का डायरेक्शन खींचने के बाद मैग्नेट तोड़ने के बाद मंदिर का अपने आप खत्म हो गया। ये जितना पत्थर गिरा हुआ मंदिर के बाहर, इसमें मेन मंदिर से निकला। आइए ये मध्यान ये देखिए लोहे के कलाम, देखिए अंदर लोहा वो जाते भाई भाग जाता है यार, वो जल्दी जल्दी इसको बोलते